हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन किए थे वो हम डिबेंचर्स का क्वेश्चन कर लिए थे, अंडररिटिंग के साथ मर्ज करके एक क्वेश्चन था, तो हमने वो इफेक्टिवली खत्म कर दिया है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसके बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कैश फ्लो सिस्टम के ऊपर है। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो इस पूरा जो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो 5 5 मार्क के क्वेश्चन हमको पूछे गए हैं। पहला ये 2 क्वेश्चन है हमारा। अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे, फ्रॉम फॉलोइंग बैलेंसेस आर प्रोवाइडेड फॉलोइंग बैलेंसेस आर प्रोवाइडेड बाई नकल लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। 2 साल का दिया हुआ है। ऑब्वियसली हमको इसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कैश फ्लो में, कि ओपनिंग क्लोजिंग कीम देता है, इक्विटी कैपिटल वगैरह वगैरह सब कुछ करके दिया हुआ है। गुडविल को लेके मैं जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का सोल्यूशन करता हूँ, मैं आइटम स्पेसिफिक एनालिसिस पहले करना बहुत पसंद करता हूँ। जब भी मैं ये सब चीजें देखता हूँ कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, इसका क्या रोल है, सरप्लस का क्या रोल है, ये हमको पहले क्लिक होते रहना चाहिए। क्योंकि हमको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो 2 तरीके से होता है। एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड अपने आप में दोनों अलग अलग हैं, और ये जो डायरेक्ट मेथड है बहुत ईजी है, और उसमें क्या है, हमको बहुत ही कम इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है, वो ऑब्वियसली इसीलिए क्वेश्चन में नहीं आता, एग्जाम में नहीं आता। इनडायरेक्ट मेथड, हमको पीएल अकाउंट का हेल्प लेना पड़ता है, तो पूरा फॉर्मेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से पूरा फॉर्मेट आपको बनाना होता है। तो उसके लिए मुझे सरप्लस का अमाउंट चाहिए। सरप्लस में हमको क्या बोला, 165 ओपनिंग में था, क्लोजिंग में 222 हो गया, तो सीधा सीधा बात है, ड्यूरिंग द ईयर इन दोनों के बीच में 222 माइनस 165 करेंगे तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है, वहीं से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। गुडविल को लेके बात करेंगे, 60 था ओपनिंग में, रुपीज इन लैक्स है, 47 हो गया क्लोजिंग में, तो सर यहाँ पे एक रिटर्न ऑफ वाला पार्ट है जो हम पीएल में राइट ऑफ किया, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट वगैरह दे दिया, ये सारे इंफॉर्मेशन हैं। अब इसको लेके अगर हम आगे चलेंगे तो आगे हमको क्या क्या बोला, और देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एन ओल्ड मशीन 45 लाख का वॉज सोल्ड फॉर 21 लाख, रिटन डाउन वैल्यू 29 लाख। WDV कितना था, 29 लाख का, बेचा कितने में, 21 लाख में, तो सर सीधा सीधा है हमारा यहाँ पे कुछ लॉसेस का बात कर रहे हैं हम लोग, 8 लाख्स का। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 15%, बट इसके बाद ऑन द ओपनिंग बैलेंस, तो दिमाग मतलब डिस्टर्ब करने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन में बोला हुआ है ओपनिंग बैलेंस जितना हमारा है उसी के ऊपर हमने चार्ज किया है। अगर हम ओपनिंग बैलेंस देखेंगे क्वेश्चन में, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे है, हम लोग किसका देख रहे हैं, मशीन। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 300 हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो सीधा सीधा 300 का 15% निकाल लेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। देयर वेर नो परचेज एंड सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई परचेज सेल है नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग में अगर हम अमाउंट देखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग 430 था, 387 हुआ, परचेज सेल है नहीं, तो सीधा सीधा डेप्रिसिएशन है इसमें। उसके बाद बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, बोल दिया है 96 लाख का, इसमें भी हमको लेजर अकाउंट करना पड़ सकता है। ड्यूरिंग द ईयर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाज रिटन ऑफ एज 15 लाख, पीएल में प्रीमियम राइट ऑफ किया गया 15 लाख, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। फ्रॉम द एबव मेंशन इंफॉर्मेशन हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सिर्फ कैश फ्लो निकालना है, ये पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन नहीं है, हमको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का निकालना है, दैट्स इट। अब अगर हम फोकस करें इसका कि अगर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही अगर कैश फ्लो कैलकुलेट मुझे करना है, तो सर मुझे क्या क्या और देखना पड़ सकता है, कुछ कैलकुलेशंस, कुछ लेजर अकाउंट्स के ऊपर हमको ध्यान देना है। कैसे, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर हम थोड़ा जूम कर देते हैं इसे। जूम
जूम कर दिए हम। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही हमारा स्टार्टिंग है, मतलब यही हमको कैलकुलेट करना है। दो अमाउंट कॉलम रखा है, रुपीज इन लैक्स है। प्रॉफिट जैसे कि मैंने बात किया था 222 और 165, अगर हम डिफरेंस करेंगे 57 का प्रॉफिट है। ट्रांसफर टू रिजर्व, आप अगर देखिए जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, इतना एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो होता है, जो कि AS3 प्रेस्क्राइब्ड है, वो सबको थोड़ा लर्न्ड हो। हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे करते हैं कि सर हम PL अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, जितने रिजर्व्स को हमने ट्रांसफर किया वो भी ऑब्वियसली ऐड करना है, क्योंकि हमको कैश फ्लो एक्चुअल में देखना हुआ कितना था। तो जो रिजर्व्स में ट्रांसफर किए वो भी हमारा प्रॉफिट का ही पार्ट था, तो उसको भी ऐड बैक कर दो। अब ये ऐड करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट आता है, नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट आता है वो एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। अब ये नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम जो PL में अफेक्टेड है वो मुझे देखना है। ओके, नॉन ऑपरेटिंग को क्यों हटाते हैं? नॉन ऑपरेटिंग को इसलिए हटाते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर रहे हैं। और नॉन कैश को क्यों हटाया जाता है? नॉन कैश को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि कैश फ्लो चाहिए हमको, तो नॉन कैश आइटम से तो वो भी हटता है। ओके, सो हम अगर देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से गुडविल का रिटर्न ऑफ, यहाँ पे बात किए थे हम, आइटम्स वाइज देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा गुडविल का जितना राइट ऑफ है वो हमने हटाया। प्रीमियम क्वेश्चन में ही बोला था राइट ऑफ किया हुआ है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग वाला पार्ट हो गया, ये भी हटेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है क्वेश्चन में, ऐसे भी आप अगर लेजर अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स का नहीं भी बनाए होंगे तो भी इतना तो पता चल ही गया होगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स जो है क्वेश्चन में बोल दिया ड्यूरिंग द ईयर 96 का प्रोविजन बनाया है, तो PL में 96 ही गया होगा। ओके, तो 96 यहाँ पे डाल दिया हमने। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में इंटरेस्टिंग था कि बोला कि परचेस सेल कुछ हुआ ही नहीं है, तो लैंड एंड बिल्डिंग के जो ओपनिंग 430 था और 387 का जो क्लोजिंग है उसमें डिफरेंस जो भी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी का जो बात है, एक लेजर अकाउंट बनाया हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का मैनेजमेंट नहीं हो पाया है, तो अकॉर्डिंगली गाइस विल फोकस। प्लांट एंड मशीनरी का अगर बात करेंगे, ओपनिंग बैलेंस था 300, क्लोजिंग बैलेंस था 330, ये तो एग्री करेंगे सब लोग, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी 300 एंड 330। ओके, अगर हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन का, क्वेश्चन में बोला है 15% ऑन द ओपनिंग बैलेंस, 300 पे बाय डेप्रिसिएशन किया हुआ है, 300 पे 15% का 45। अब मैंने बेचा, हमने सेल किया ड्यूरिंग द ईयर ओल्ड मशीन, कॉस्ट है 45 लाख का, कॉस्ट जो 45 लाख का है वो इम्पोर्टेंट तब होता जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन होता। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेल किया कितने, 21 लाख में, और इसका WDV कितना था, WDV का मतलब है डेप्रिसिएशन जा चुका है, तो हमको और कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि वैसे भी 300 पे ही हमने डेप्रिसिएशन किया हुआ है पूरा। और क्वेश्चन में बोला कि WDV इसका था 29 लाख का, तो 29 लाख का WDV 21 में बेचा, 8 लाख का लॉस है, अकॉर्डिंगली PL का एंट्री भी हो गया, क्लोजिंग बैलेंस भी गया। अब अगर बैलेंस कर रहे हैं तो डेबिट साइड में एक बैलेंस आ रहा है 104 का, तो ऑब्वियसली सर ये 104 हमारा एडिशनल परचेज होगा, बट उसको यहाँ पे तो जरूरत नहीं क्योंकि हमको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे दो चीजें हुई, एक तो सर डेप्रिसिएशन हुआ, एक तो सर PL अकाउंट हुआ जो हमने लॉस किया है 8 का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते वक्त यहाँ जो हम हटा रहे हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, यहाँ पे नॉट ओनली प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो वहां पे किया वो हटेगा, बट ऑल्सो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी हटेगा। तो टोटल मिला के 220 का हुआ, अकॉर्डिंगली हटाने के बाद जितना अमाउंट आता है उसमें क्या एडजस्ट करना होता है हमको, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज का पार्ट। ओके, तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये। ट्रेड पेबल से चालू हो जाएगा, ट्रेड पेबल हमारा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश तो यहाँ पे नहीं आता, कैश एकदम लास्ट में जाके हम दिखाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, तो अकॉर्डिंगली अगर हम इसका जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस को जो दिखाते हैं वो क्या होता है, किस पॉलिसी के हिसाब से होता है, अगर लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज
ओपनिंग क्लोजिंग को अगर आप कंपेयर करोगे, इंक्रीज अगर लाइबिलिटी है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी तो इट्स एन इनफ्लो, ओके, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इट्स एन आउटफ्लो, इंक्रीज इन एसेट इज एन आउटफ्लो, डिक्रीज इन एसेट इज एन इनफ्लो। तो अकॉर्डिंगली मैंने इंक्रीज डिक्रीज को यहाँ पे एडजस्ट किया, आप सब लोग देख सकते हैं। ये करने के बाद जितना अमाउंट आता है वहां से हमको टैक्स को माइनस करना होता है। तो ये जो सर टैक्स पेड है, प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड दोनों में अंतर है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड दोनों में अंतर है। ओके, क्या अंतर है सर? एक तो सर प्रोविजन है जो कि पे नहीं हुआ, हमने पीएल अकाउंट में सिर्फ दिखाया है, और एक क्या है, एक है सर जो एक्चुअल में हमने पे किया है। तो इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स का भी लेजर अकाउंट इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग क्लोजिंग मैंने डाला और पीएल अकाउंट का इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में ही दिया कि इस साल का प्रोविजन पीएल में कितना है, 96 का है, तो वो भी इंफॉर्मेशन डालने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो हमारा 76 लाख का है जो कि पेड है। वो पेड को अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे कैश फ्लो में तो आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, यस, आपका हो जाएगा 76 का, अगर आप पेमेंट का दिखा दोगे तो आपका हो जाएगा जो बैलेंस अमाउंट आएगा 247 लाख। ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा जो कि क्वेश्चन में हमको पूछा है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बात किया था, इन केस एनी इरेगुलरिटीज और आप लोग के माइंड में कोई सजेशंस हैं कि वीडियोस को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्सेस। आई एम ओपन फॉर एनी सजेशंस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू डिजाइन बेटर वीडियोस फॉर यू। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हम अकाउंट्स के लास्ट में आ रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 4 का, और ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन और बाकी हैं, एक है कंसोलिडेशन का, एक है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का। बहुत ही इजी इजी दोनों क्वेश्चन थे। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में आएंगे जो कि है कॉस्ट का। मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, ये जो पास्ट ईयर क्वेश्चन को लेके, जो पास्ट ईयर क्या, ये तो अभी रिसेंट वाला ही था, ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि जो बच्चे एग्जाम अपेयर किए हैं उनको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा, आपको क्या लिखना चाहिए था। क्योंकि जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन वहां पे लास्ट टर्म आपने फेस किया, आई होप आई विश कि आपको दोबारा एग्जाम देना ना पड़े, बट मेरे अंदर भी ये क्यूरियोसिटी हमेशा रहता था जब भी मैं एग्जाम देता था कि मैंने क्या गलती किया, वो जानना मेरा हक है। तो मैंने देखा कि मतलब अगर कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस हिसाब से बनाए, जैसे कि जहाँ पे जो बच्चे दे चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द रिजल्ट टू कम, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो दे चुके हैं उनको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि हमने गलत किया, सही किया, या हमारा कंसेप्ट में कहाँ कमजोरी रह गया, या अगर सही किया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस मिलता है, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन किया है। एनीवेज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वो हमारा कंसोलिडेशन और वैल्यूएटेड स्टेटमेंट के ऊपर होगा। थैंक यू सो मच गाइज़।